एक मासूम बच्चे को स्कूल में ड्रेस न पहनकर जाने की ऐसी सजा मिली कि देखकर शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं 5 साल के मासूम बच्चे को स्कूल की टीचर ने 4 घंटों तक इस आग उगलती धूप में खड़े रहने की सजा दी है। मासूम की हालत बिगड़ती देख उसके माता पिता घबरा गए और स्कूल जाकर जब बच्चे के बारे में पूछा तो स्कूल प्रबंधक उल्टा उन्हीं पर रोब छाड़ने लगा। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्यारेलाल सैनी है। प्यारेलाल जी, आज आप बिजनौर कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या है प्रॉब्लम? जी, मेरा बच्चा ईशावर लक्ष्य मुरादाबाद रोड पर स्थित MM पब्लिक स्कूल में पढ़ता है जो पेट्रोल पंप की जड़ में स्थित है, और ये आलोक कुमार अग्रवाल जी का है जो शिवालय के गणमान्य नेता भी हैं और अच्छे संबंध भी हमारे मित्र भी रहे हैं और गुरु भी रहे हैं। लेकिन 3-4 साल से हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई शिकायत का मौका उन्होंने दिया ना हमने दिया है, लेकिन एक ड्रेस के ऊपर उन्होंने जो है हमारे बच्चों को प्रेयर के बाद पूरे पीरियड धूप में खड़ा करा दिया। वजह ये रही है कि मैंने उनके स्कूल से ड्रेस नहीं खरीदी, ड्रेस भी बेचते हैं स्कूल के अंदर और किताबें भी बेचते हैं। और एक बात और इसमें, जब बच्ची मेरी घर पर आई दोपहर में छुट्टी में 1:30 बजे बच्चों की छुट्टी हुई, उसके बाद बच्ची की हालत थोड़ी बिगड़ गई। मैं डॉक्टर के यहाँ गया, वहाँ से मैंने दवाई दिलाई, 2 घंटे आराम कराने के बाद 3:30 बजे मैं ट्यूशन छोड़ने गया, लेकिन ट्यूशन के आने के बाद ही मेरी बच्ची की हालत नहीं सुधरी। फिर मैंने उसको डॉक्टर जुनेद के यहाँ भर्ती किया, उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट शुरू किया, डिप चढ़ाई, और मैंने 7:30 बजे आलोक कुमार अग्रवाल जी को इस चीज़ से अवगत कराया कि आपके स्कूल में मेरी बच्ची को 1 घंटा धूप में खड़ा किया है और जो है आप कृपया आकर देख लें। केवल तब तक बात इतनी थी, लेकिन उन्होंने मेरी बच्ची की कोई सुध नहीं ली। अगले दिन मैंने उनका फिर इंतज़ार किया, लेकिन उन्होंने कोई सुध नहीं ली। अब क्या चाहते हैं सर? कल उन्होंने मुझे स्कूल में बुलाया था, फैसले नामों की ये कॉपी हुई है, उन्होंने उसमें माफ़ी मांगी है, प्रिंसिपल साहब के साइन है, उनके 2 टीचर के साइन है, उनके लड़के के साइन है। उस फैसले नामे की कॉपी को बदलवाने के लिए उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया है कि इस फैसले को आप बदलिए और इसमें लिखिए, किसी गलतफहमी की वजह से मैंने ये शिकायत दर्ज कराई थी और भविष्य में आपके स्कूल के खिलाफ कोई कंप्लेंट मैं नहीं करूँगा, ऐसा लिख कर दे तभी मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊँगा, और जो है वरना आप अपने स्कूल से बच्चों को ले जाओ, हम इनका नाम काट रहे हैं। तो कल दोपहर 11 से 12 के बीच में मैं बच्चों को वहाँ से स्कूल पर ले आया, लेकिन जैसे मैं आ गया उन्होंने अश्वनी नाम के लड़के से तुरंत मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी। हो सकता कोई पाइपलाइनिंग हो, इसलिए मैं मीडिया के सामने और प्रशासन के सामने इस बात को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कल स्कूल उन्होंने अच्छा, आज आप कलेक्ट्रेट में आए हैं, वो किस लिए? जी, मैं दिखाया किसी भी बच्चे के साथ, मेरा बच्चा हो किसी भी व्यक्ति का बच्चा हो, उसके साथ ऐसा अत्याचार ना हो, इसके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल वाले अपने आप को रईस मानते हैं, हम मजदूर आदमी 2-2 पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को किस मजदूर पार्टी से पढ़ाते हैं, और हमारे दिल को बहुत दुख पहुंचता है। जब किसी पे पैसा होता है वो कहीं भी पढ़ा सकता है, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, मजदूर करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारे बच्चों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये कैसे? मैं उस स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन मेरा मैसेज लोगों पर जाना चाहिए कि उन्होंने जो मेरे बच्चे के साथ हो रहा है और भी बच्चों के साथ होता होगा, मेरा ऐसा अंदेशा है, क्योंकि जो आदमी मुझे दबाव में ले सकता है तो और लोगों का क्या होगा, और लोग भी दबाव में आए।